पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को कौन सा डर सता रहा है? आखिर हार्दिक के इस डर के पीछे असली वजह क्या है? गुजरात चुनाव से ठीक पहले सामने आए हार्दिक पटेल की सीरीज से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। कभी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाले हार्दिक पटेल अपनी कथित सेक्स सीडी के सामने आने से बैक फुट पर जाते दिख रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी करीब आधा दर्जन सेक्स सीडी की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले में हार्दिक को अब डर सताने लगा है। हालांकि हार्दिक पटेल अपनी कथित सीडी के सामने आने को लेकर काफी पहले ही आशंका जता चुके हैं, साथ ही इसके पीछे उन्होंने बीजेपी की साजिश करार दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और आशंका ने उनके मन में घर कर दिया है। हार्दिक को लगता है कि उनके खिलाफ जल्द ही यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक संदेश में हार्दिक ने कहा है कि मैं तुम्हारे घूस और राष्ट्रद्रोह और फर्जी सेक्स वीडियो के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। अब वो एक महिला को सामने लेकर आएंगे जो मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं सरेंडर नहीं करूँगा। ये हार्दिक के लोग हैं और हार्दिक इन लोगों के साथ है। उधर भरूच में बुधवार को अपनी एक सभा के दौरान हार्दिक भावुक होते भी दिखे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे मार दो, लेकिन लड़ाई मेरी नहीं बल्कि पाटीदारों, किसानों और महिलाओं की है। इससे इतर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें वो पटेल समाज से अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने की अपील करते दिख रहे हैं। अपने करीब एक मिनट के इस वीडियो में हार्दिक कह रहे हैं कि क्या मांगा था? अधिकार, अधिकार समाज के युवाओं के भविष्य के लिए। गोलियां मारी, लाठियां मारी, महिलाओं पर अत्याचार किए, लेकिन अब हमें घबराना नहीं है बल्कि बदला लेना है। अब हार्दिक की इस आशंका में कितना दम है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक इस मुश्किल भरे दौर से कैसे पार पाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।